Chapter number 6, The Flying Machine 1. Today we will start from here. Over the next few days, Sammy worked very hard. ठीक है, कुछ अगले चंद दिनों में सैमी ने बहुत जो था वो बहुत मेहनत की. He collected lots of bamboos and string. उसने बहुत ज़्यादा बांस और जो स्ट्रिंग्स थी रस्सियाँ वो इकट्ठी की. And a great deal of old newspaper. और बहुत सारे जो थे वो पुराने आप कह सकते हैं कि अखबार इकट्ठे किए. He borrowed a knife and a screwdriver. उसने जो था वो बोरो किया यानी उधार लिया एक नाइफ और screwdriver. नाइफ जो है वो छुरी है, screwdriver जो है वो उसको जिससे उसने जो है ना वो फिट करना था तो वो जो है उसने वो एक आला है उसको उसने जो है वो बोरो किया था. At the back of the house was an empty गराज. उसके घर के पीछे जो था एक खाली गराज था. सैमी सेड टू हिज फादर. सैमी ने अपने अबू से कहा, फादर अबू, आई नीड अ वर्कशॉप. मुझे एक वर्कशॉप चाहिए. आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन. मैं एक फ्लाइंग यानी कि उड़ने वाली मशीन तैयार कर रहा हूँ. हिज फादर लाफ्ड. उसके फादर हंसे. ऑल राइट, ठीक है. ही सेड, उन्होंने कहा, यूज़ द गराज, गराज को इस्तेमाल करो. बट डोंट मेक टू मच नॉइज़. लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मत करना. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सैमी स्टार्टेड वर्क. सैमी ने काम शुरू किया. ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बो. अब उसने क्या किया कि उसके जो ग्लाइडर के विंग्स थे, ठीक है, उसके जो पर थे वो उसने बैम्बोज से बनाए, बांस से बनाए. ही पुट स्क्रू इन ऑल द जॉइंट्स एंड टाइड दैम अप टाइटली विद स्ट्रिंग्स. और उसने उसके सारे जो जॉइंट्स थे वो स्ट्रिंग्स यानी कि रस्सियों के साथ अच्छी तरह से उनको बांध दिया. देन ही कवर्ड द विंग्स विद शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड फिक्स सम वुड बीनीथ द विंग्स. अब उसने क्या किया कि कुछ जो थे वो न्यूज़पेपर से उनको कवर किया, ठीक है, और उसके नीचे तो था वो एक लकड़ी की जो है ना वो लाइक वुड, उसके नीचे उसके विंग्स के वो उसने फिक्स कर दी. सैमी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर. सैमी ने उसकी जो टेल थी यानी कि दुम थी प्लेन की वो उसने बैम्बू यानी बांस और पेपर से बनाई. ही मेड अ रोड ऑफ बैम्बू सो दैट ही दैट द पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट. ठीक है, उसने एक रॉड उसमें बनाया कि जो पायलट है वो उसको टर्न कर सके लेफ्ट राइट. यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरह से उसने बनाया कि वो उसको लेफ्ट और राइट इस रॉड के थ्रू जो है वो उसको मूव कर सके. ठीक हो गया. सैमी पॉइंटेड द न्यूज़ पेंटेड द न्यूज़ पेपर विंग्स अ ब्राइट ब्लू. ठीक है, उसने जो न्यूज़ पेपर थे उसको पेंट किया ब्लू कलर से. एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर कि ब्लू कलर से उसने उसको जो है वो पेंट किया हुआ है. इन टू मंथ्स द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड. दो महीनों में उसने ग्लाइडर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तैयार कर लिया. देन ही शोड इट टू हिज फादर. उसने अपने अबू को फिर ये दिखाया. हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड. ठीक है, उसके अबू जो थे वो बहुत खुश हुए उसको देख के, बहुत खुश थे. ऑन संडे, इतवार के दिन, आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, सैमी टुक अंकल सलीम टू द गराज टू सी द ग्लाइडर. सैमी जो था वो अंकल सलीम को गराज में ले गया ग्लाइडर दिखाने के लिए. इट डजेंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रखता, सेट अंकल सलीम. अंकल सलीम ने कहा. ओह इट इज़, ओह ये है, सेट सैमी. सैमी ने कहा, इट विल ईजीली कैरी यू. ये आपको आसानी से ले जाएगा. यानी कि अंकल सलीम जो है वो कहते हैं कि इतना मजबूत नहीं है, लेकिन सैमी कहता है कि ये है मजबूत, ये आपको आराम से लेके जा सकता है. वट अ नॉइज देयर विल बी वेन आई सिट ऑन इट एंड एवरी थिंग ब्रेक्स, थॉट अंकल सलीम. ही लाफ्ड. अब क्या होता है कि अंकल सलीम जो हंसते हैं इस बात पर, वो कहते हैं कि जब मैं इसमें बैठूंगा तो ये ब्रेक यानी कि टूट जाएगा, इसमें वॉइस आएगी कि कोई मतलब शोर सा होगा और वो जो है ना वो टूट जाएगा. क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा कि अंकल सलीम थोड़े से फैट भी हैं और वो ऑलरेडी इसको इतना मजबूत समझ भी नहीं रहे हैं. ही एंड सैमी कैरिड द ग्लाइडर आउट ऑफ द गैराज एंड अलोंग द रोड टू अ लिटल हिल. वो और सैमी अब ग्लाइडर को जो है वो गैराज से बाहर ले आते हैं रोड की तरफ और एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ. लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड हिम. बहुत से लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं. दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट वेरी टॉप ऑफ अ हाइट फ्लैट रॉक. उन वो ग्लाइडर को जो है ना वो बहुत टॉप पे थोड़ा सा एक हाइट पे ले जाते हैं, फ्लैट रॉक उस पर पहाड़ पत्थर पे ना रॉक पे वो रख देते हैं उसे. जंप इन अंकल सलीम, क्राइड सैमी. सैमी चिल्लाता है कि अंदर आ जाए अंकल सलीम. जंप इन वेयर, वो कहते हैं कि कहाँ पे जंप करूँ मैं, शाउटेड अंकल सलीम. अंकल सलीम जो है वो चिल्लाते हैं, ओ
सेट सैमी, ओ सेट सैमी यू हैव टू सिट दिस पीस ऑफ वुड, कि आपने जो है वो इस जगह पे बैठना है वुड पे, उसने एक सीट बनाई होती है, सीट पे बैठने के लिए उनको कह रहा होता है। नाउ लिसन, सुने केयरफुली एहतियात से, दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर फॉर योर फीट एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, ठीक है। अब उनको इशारा करके बताता है कि आपने अपने पाँव कहाँ पे रखने हैं, ठीक है, कौन सी लूप्स पे रखने हैं, और अपने हाथ जो हैं वो कहाँ पे रखने हैं, कैसे पकड़ना, कैसे उसको, इफ़ यू वॉन्ट द राइट, इफ़ यू वॉन्ट द ग्लाइडर टू गो अप, अगर आपने उसको ऊपर लेके जाना है, यू पुल द बार टूवर्ड्स यू, आप उस बार को अपनी तरफ खींचेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू गो राइट, अगर आपने राइट जाना है, यू पुश योर राइट फुट डाउन, ठीक है, अपने राइट पाँव को आप, यानी कि आपका जो दायां पाँव उसको नीचे करेंगे आप, तो आप राइट चले जाएंगे। पुट योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट, अगर लेफ़्ट जाना है तो अपना लेफ्ट पाँव यानी कि बायां पाँव ही नीचे करेंगे। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आप ये याद रख सकते हैं? अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम जो थे वो मुस्कुराए, ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, यानी कि वो जानते थे इस बात को कि ग्लाइडर जो है वो नहीं उड़ेगा या नहीं उड़ सकता। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे। ही सेट ऑन द सीट, वो सीट पर बैठे, पुट हिज फीट थ्रू द लूप्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने लूप्स पे स्ट्रिंग की अपने पाँव भी रख लिए, एंड हेल्ड टाइटली ऑन द बैम्बो रोड, और बैम्बो रोड जो उसने बनाया था उसको बहुत टाइटली जो था वो उन्होंने पकड़ लिया। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ही सेट टू सैमी, उन्होंने सैमी से कहा, बट द ग्लाइडर इज़ नॉट टेकिंग ऑफ, लेकिन ग्लाइडर जो है वो नहीं मतलब कि टेक ऑफ कर रहा, नहीं उड़ रहा। अंकल सलीम लाफ्ड लाउडली, अंकल सलीम जो है वो ऊँचा हंसे, क्या उसमें बैठ के हंस रहे हैं कि ये तो उड़ नहीं रहा, और सैमी को बता रहे हैं।